मौनी अमावस्या का पर्व गुरुवार को श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। जिले के श्रद्धालुओं ने राप्ती सहित अन्य पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाई। आपको बता दें, गोरखपुर में श्रद्धालुओं ने राप्ती नदी सहित आसपास के पवित्र सरोवरों में आस्था की डुबकी लगाई और दान पुण्य किया। महिलाओं ने गंगा मैया के नाम से कड़ाही भी चढ़ाई। श्रद्धालुओं ने सत्यनारायण व्रत की कथा सुनी और गाय की बछिया का दान कर मंगल कामना की। ब्रह्म मुहूर्त में ही श्रद्धालु राप्ती नदी के राजघाट तट पर पहुंचने लगे। इस दौरान समूहों में गंगा मैया की जय बोलते हुए श्रद्धालुओं ने मंगल गीत गाते हुए पवित्र नदी में प्रवेश किया। राप्ती के दोनों तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मौन होकर स्नान दान किया और तिल का लड्डू ग्रहण किया। वहीं पुरोहित गाय की बछिया के साथ राप्ती तट पर पहुंचे थे। उन्होंने श्रद्धालुओं को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बछिया का दान कराया। राप्ती नदी के आसपास के सभी रास्ते श्रद्धालुओं से खचाखच भरे थे। वहीं बच्चों ने राप्ती नदी तट पर लगे मेले का जमकर मजा लिया। पूजन अर्चन के बाद श्रद्धालु तटों पर लगे चना, जलेबी, समोसे और पकौड़ों के दुकान पर पहुंचकर उनका जायका लिया। मेला में सौंदर्य प्रसाधन व घरेलू सामानों की दुकानें भी सजी थी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पुरोहितों ने कहा, मेरा नाम है जय हिंद पांडे उर्फ गजगज बाबा। आज भैया माघ या मौसा है, माघ पूर्णिमा है, इस दिन को घाट घाट पर मेला लगता है, गौदान होता है, अन्नदान होना होता है, बस दान होता है। इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर में जहाँ भी गंगा घाट है सारे जगह मेला लगते हैं। हाँ, क्या महत्व है? ये पूर्णिमा है भैया, अमावसा है, ये अमावसा है। हाँ, माघ अमावसा है, ये बहुत बड़ा पर्व है माघ अमावसा का, इसलिए गंगा घाट नहाते हैं लोग, यहाँ बातचीत छूटते हैं, अन्नदान करते हैं, बस दान करते हैं, गौ दान करते हैं। हाँ, यही सब महत्व है बाबू। भवानी शंकर पांडे, आज के गंगा स्नान का ये महत्व है कि भारतवर्ष में माघ के समय में सभी नदियों का जल जो है गंगा के समान हो जाता है और वहाँ पे स्नान करने का, दान करने का भारत में बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए लोग जो है, लेकिन कुछ जगहों का ज़्यादा महत्व है, जैसे राजघाट है, नरौरा है आपका, प्रयागराज है, नैमिषारण्य है, इसलिए लोग यहाँ पर आके स्नान करते हैं, अन्न का दान देते हैं और गौ का दान करते हैं।